हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 जैसा कि हमारी चल रही है त्रिभुज की, जिसमें हमने आपके लिए काफी प्रश्न बता दिए हैं और आज हम आपके लिए उसके आगे जस्ट उसके आगे का प्रश्न करा रहे हैं। और प्रश्न है हमारा यहाँ पर 11वें का, पहला प्रश्न हमने आपके लिए करवा दिया था और 11वें का अब हम आपके लिए सेकंड पार्ट कराएंगे। यानी मतलब 10वां प्रश्न तो था वो पहले फिगर से था, अब 11वां जो प्रश्न है वो 6.25 फिगर से है। तो हम 11वां प्रश्न करा रहे हैं और ये जो प्रश्न है वो चित्र किससे है, 6.25 से है, 6.25 वाला चित्र है और इससे हमें प्रश्न को कराना है। ये जो 11वां प्रश्न बना हुआ है तो यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार है, देखिए बिना चित्र के यहां पर कोई काम नहीं होगा और चित्र बनाना जरूरी है। तो चित्र हम बना ले रहे हैं यहां पर, देखिए सब नाम रख देंगे, ये P है, ये R है, ये Q है और ये यहां पर इस तरीके से ये पैरेलल लाइन एक है और इसकी भी पैरेलल लाइन है और इसकी भी पैरेलल लाइन है और ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। क्लियर है? तो यहां पर हमने चित्र बना लिया, यहां पर इस तरीके से चित्र बना हुआ है और अब हम आपके लिए बता दें कि क्या प्रूफ करना है, आपके लिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध यह करना है कि बीसी जो भुजा होगी वो पैरेलल होगी क्यूआर के, ठीक है ना। बीसी भुजा जो होगी वो क्यूआर के पैरेलल होगी और यह आपको प्रूफ करना है। लेकिन और भी चीजें दी गई है, क्या दी गई है यहां पर? यह दिया गया है कि एबी जो भुजा है वो पैरेलल है पीक्यू के, एबी भुजा पीक्यू के पैरेलल है और एसी भुजा जो है वो पैरेलल है पी आर के, ठीक है। ऐसी भुजा है, पैरेलल है पी आर के, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। तो सुनिए यहां पर हम आपके लिए कराते हैं। सबसे पहले हम ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, यानी ए से बी तक की भुजा जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, इनका अनुपात निकालेंगे और बीच में हमारा जो पॉइंट दिया गया है वो ओ दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चित्र से, चित्र से क्या लिखेंगे, ये जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, यानी समांतर है। अगर समांतर है तो हम इसमें आनुपातिक प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से लगा देंगे। तो आनुपातिक प्रमेय ये कहती है कि उनका अनुपात बराबर होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये पैरेलल है तो इस हिसाब से हम यहां पर लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए पी, ए ओ अपॉन ए पी बराबर में, ए ओ अपॉन ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से ले लेंगे इस तरीके से। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ बी और अपॉन में बी क्यू, ये लिख देंगे समीकरण नंबर एक, ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से हम यहां पर दूसरी बार करेंगे, ए सी पैरेलल है पी आर के, यानी एसी पैरेलल है पी आर के, यानी एसी भुजा जो है एसी भुजा वो पैरेलल है पी आर के, ठीक है ना। पी आर के पैरेलल अगर समांतर है तो हम लिखेंगे फिर से आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से अगर यहां पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एसी पैरेलल है पी आर के, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर ओ ए, देखिए क्या लिखेंगे यहां पर आपके लिख ले ए ओ, ऐसे लिखो ए ओ अपॉन ए पी, ए ओ अपॉन ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, इधर ए ओ अपॉन ये हो गया ए पी और इस हिसाब से सी ओ, सी ओ अपॉन आर सी ये हो गया, ठीक है ना, आर सी ये हो गया। अब यहां पर हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर ए ओ अपॉन ए पी यहां भी है और ए ओ अपॉन ए पी यहां भी है, अगर ये दोनों है तो इस हिसाब से हम इसकी जगह पर इसका रख सकते हैं, यानी समीकरण एक बाय दो से लिखेंगे, समीकरण एक बाय दो से, एक बाय दो से, समीकरण अगर एक बाय दो से मानेंगे तो यहां पर क्या मानेंगे, देखिए ए ओ अपॉन ओ पी, चूंकि मैं लिख दे रहा हूं ए ओ अपॉन ए पी बराबर में है सी ओ अपॉन आर सी ये बराबर है, तो यहां पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए पी की जगह, ठीक है, चूंकि ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए पी की जगह पर यहां पर ऐसा लिख दो, यहां पर सी ओ अपॉन आर सी, सी ओ अपॉन आर सी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू।
तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन आया हुआ है वो किसको दर्शाता है? वो इसको दर्शाता है BC पैरेलल QR के, यानी BC जो है वो पैरेलल है QR के, इसको दर्शाता है। इसलिए ये हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। प्रूव्ड हो गया कि जो ये अनुपात आया है वो किसको दिखाता है, देखो CO का अनुपात और CR का अनुपात, यानी ये वाला, और ये फिर QB का अनुपात, ठीक है ना। तो ये इसको दर्शाता है, इसको दर्शाता है कि जो BC लाइन है वो पैरेलल है QR के। BC लाइन जो है वो पैरेलल है QR के, इसको दर्शाता है। इसका मतलब ये आपके लिए प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न हो गया है, और अब हम करेंगे यहाँ पर 12वां प्रश्न भी आपको बता देते हैं। और 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए करवाते हैं आपके लिए 12वां प्रश्न। देखिए बच्चों 12वां प्रश्न करवा रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल क्या है सुन लेते हैं। लिखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, मैं बना देता हूं। ABCD एक, ये मैंने बना दिया ABCD, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। AB जो पैरेलल है वो DC के पैरेलल है, ये बात यहां पर बताई गई है कि जो ये रेखा है AB पैरेलल है DC के, क्लियर है। अगर पैरेलल है DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। अगर इसके विकर्ण मान लिया जाए ये हैं, तो इसका बिंदु O पर काट देते हैं, यहां पर काट देते हैं। और तो दिखाइए कि प्रूफ कीजिए जी कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO, ये होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से हमें आपको प्रूफ करना है कि A से लेकर O तक की दूरी जो है वो BO का अनुपात AO और BO का जो अनुपात है यहां पर इस तरीके से वो CO और DO के बराबर होगा, CO और DO के बराबर होगा। इस बात को यहां पर CO का अनुपात DO से बराबर होगा, बिल्कुल होगा। हम इनको सिमिलर करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? सिमिलर करके। यहां पर एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे इस हिसाब से। तो पहले ले लेते हैं ADB से, त्रिभुज ADB से, त्रिभुज ADB से लेंगे। तो यहां पर आप देखिए क्या लिखेंगे, मैं AO अपॉन में BO, AO यहां पर इस तरीके से हमने पहले यहां पर लिया त्रिभुज, ये वाला ले लेंगे यहां पर, हाँ ठीक है, AO और OB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AO अपॉन BO बराबर में AO अपॉन BO जो हो जाएगा A से लेकर, यहां पर हम सिमिलर भी दिखा देते हैं, यहां पर ऐसा करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इसको सिमिलर दिखा के करते हैं। त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, और इस हिसाब से त्रिभुज यहां पर ले लेते हैं ABC, त्रिभुज यहां पर लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। दो त्रिभुज ले लिए हमने, और यहां पर ये भी त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि यहां पर ले लिया हमने ये वाला, और इधर से ले लिया हमने ACD। यहां पर ADB ना लेकर के दूसरा लेते हैं, यहां पर देखिए हमसे यहां पर ये हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद देखिए सुनो, मैं क्या करता हूं, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाता हूं। समरूप कैसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर रिलेशन पूछा गया AO और OB का, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को मैं सेम ले ले रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं AOB, त्रिभुज AOB एड DOC से, DOC से, ठीक है, इनको दे रहा हूं। तो यहां पर त्रिभुज AOB सिमिलर है DOC के, ये सिमिलर है यानी समरूप है, ठीक है, ये समरूप हैं। और अगर ये समरूप हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो करस्पॉन्डिंग भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं होंगी, वो उनका अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी अगर इस त्रिभुज का केंद्र यही है और इस हिसाब से हमसे पूछा गया है कि अनुपात क्या बराबर होगा, यहां पर यह प्रूफ करना है। तो AO अपॉन BO, देखो यहां से लेकर A से लेकर O तक की दूरी, और यहां पर B से लेकर O तक की दूरी, ये करस्पॉन्डिंग दोनों, ये इनका अनुपात, BO का अनुपात बराबर होगा किसके अनुपात के, C से लेकर O तक की, इधर वाली साइड लोगे तो ये वाली आ जाएगी, और अपॉन में इधर वाली लोगे तो D से O तक आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। यहां पर आनुपातिक प्रमेय से लिख देंगे, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से,
तो इस तरीके से यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये प्रूफ हो जाएगा कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए ओ अपन बी ओ का रेशियो बराबर होगा सी ओ अपन डी ओ। इसका दूसरा तरीका भी है, आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसे आपने करवा दिया सर, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका कैसे, पैरेलल लाइन वाला, ठीक है ना। ये तो समरूप वाला हमने लगा दिया, अगर पैरेलल लाइन हम हर एक की माने और त्रिभुज को अनुपातों में बराबर करके दो समीकरण बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर प्रश्न जो है वो ये हो गया। अब इसके लिए आपको 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न सेम है, 13-14 इसलिए हम नहीं करवाएंगे, और आपके लिए 13-14 आप कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न। अच्छा, 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो 13वां प्रश्न जस्ट उसका उल्टा है। कह रहे हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार काटते हैं कि ए ओ अपन बी ओ बराबर सी ओ अपन डी ओ है, तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज होगा। और यहाँ पर बोला गया था एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये वाला रेशियो होगा, और ये रेशियो अब दिया गया है, तो कह रहे हैं कि अब समलंब चतुर्भुज होगा, तो ये तो होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि ए ओ पान बी ओ सी ओ पान डी ओ अगर है तो वो एक समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो 13वां प्रश्न जस्ट रिलेट करता है 12वें प्रश्न से, और 14वां प्रश्न अपने आप यहाँ पर कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, 6.2 चल रही थी, और 6.2 के लिए हमारा यहाँ पर प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में जब हम आपके लिए बताएंगे, तो त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है ना, त्रिभुज की समरूपता की बात करेंगे, त्रिभुज की समरूपता इसकी बात करेंगे। जो क्राइटेरियन हमने बताए थे आपके लिए, हम फिर से बता दें, इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने त्रिभुज के लिए बनाई थी, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं उसको देख सकते हो, जिसमें हमने आपके लिए समरूप और समरूप और सर्वांगसम सब कंडीशन आपके लिए फॉलो करने के लिए बता दी थी, कैसे कैसे फॉलो करेंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद आप एक्सरसाइज में आना, और उसके बाद आपके लिए सवालों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज की समरूपता के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।